नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे देश के अंदर बेरोजगारी को लेकर खड़े होने वाले एक नए मुद्दे की। जी हाँ, इस देश में जब 2013 में जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने तो उनका जो सबसे बड़ा वायदा ये था कि वो देश के बेरोजगारों को रोजगार देंगे। 2 करोड़ रोजगार देने की बात उन्होंने कही थी प्रतिवर्ष। उस हिसाब से अगर देखें तो आज देश के अंदर कम से कम 10 से 12 करोड़ लोगों को रोजगार तो उनको दे देना चाहिए था। लेकिन आज की हकीकत यह कि दूसरा टर्म मिलने के बाद जब पिछले दिनों जब उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया, जब देश ने उनका जन्मदिन मनाया, बहुत सारे लोगों ने उनका जन्मदिन मनाया, तो उस दिन बेरोजगारों ने ट्रेंड करा दिया और वो ये था नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, यानी प्रधानमंत्री के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाया गया। और दिलचस्प बात यह थी कि उस दिन जितने लोग ट्विटर पे उनको शाबाशी दे रहे थे या उनके हैशटैग का इस्तेमाल कर रहे थे, उससे कई ज्यादा गुना लोग बेरोजगारी दिवस को मना रहे थे, यानी उस हैशटैग को वो ट्वीट करा रहे थे और उतने ज्यादा ट्वीट आ रहे थे। मैं उस डिटेल में नहीं जाता हूं, लेकिन जब मैंने रिसर्च करनी शुरू की कि भाई आखिर में ये महज एक फिनोमिनन क्या चीज है, ये क्या चीज है, क्या वाकई में कुछ शरारती लोगों की ये खुराफात है या इसमें कुछ दम भी है, तो जो डेटा इस वक्त हमारे सामने उपलब्ध हो रहा है, जो लेटेस्ट डेटा है, वो डेटा ये कहता है कि इस वक्त देश के अंदर 8.4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और साथ ही साथ जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट है वो 10% के ऊपर निकल चुकी है। जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो करीब 7.6% यानी 7.6% के आसपास है। आपको याद होगा कि जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे उसके ठीक पहले सीएमआई का डेटा आया था और उस डेटा के बारे में कहा गया था कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो पिछले 40 सालों में सबसे हाई है। आज जो पार्लियामेंट चुनाव के ठीक पहले का डेटा था उससे कम से कम 2% ज्यादा का डेटा हमारे पास आ रहा है। इसका मतलब यह है कि ये पिछले कम से कम 40 सालों में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है। 2015 में जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट थी वो 5% के आसपास थी। 2013-14 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.8%, 2012-13 में 3.8%। 1.2 करोड़ लोग प्रतिवर्ष वो नौकरी मांगने के लिए स्कूलों से, यूनिवर्सिटीज से, कॉलेजेस से निकलते हैं, मार्केट के अंदर आते हैं और उनको नौकरी चाहिए होती है। अब सवाल उठता है क्या ये वो आंकड़ा है जिसकी वजह से इस वक्त देश के अंदर लोग देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन की जगह बेरोजगार दिवस मना रहे हैं या मनाने के लिए मजबूर है, क्योंकि इस वक्त के जो ताजा आंकड़े हैं वो ये कहते हैं करीब 1 करोड़ लोग नौकरी मांग रहे हैं और सरकार के पास नौकरी सिर्फ 1.77 लाख नौकरियां हैं। तो सवाल खड़ा उठता है कि जिस देश में जिस प्रधानमंत्री, जिस नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के पहले 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वायदा किया था, उस वायदे का क्या हुआ? सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या वाकई में बेरोजगारी के पीछे कुछ गंभीर कारण है? अगर गंभीर कारण है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, और अगर जिम्मेदार है तो क्या एक बड़ा मुद्दा बन सकता है? इसी मसले पर करेंगे बातचीत, लेकिन उसके पहले छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की। इस कोशिश में आप हमारी मदद कर रहे हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे सत्य हिंदी सदस्यता अभियान के साथ आपको जुड़ना है। और अगर आप हमें आर्थिक मदद करेंगे, आर्थिक सहायता करेंगे, आर्थिक भुगतान करेंगे, तो न केवल इस सत्य हिंदी के लिए बड़ी एक मनोबल बढ़ाने वाला काम होगा, बल्कि पत्रकारिता की मुहिम के लिए भी एक बड़ी कोशिश आपकी होगी। उम्मीद है आप हमें निराश नहीं करेंगे। हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। आलोक जोशी जो सीएनबीसी आवाज के पूर्व संपादक है, साथ ही साथ हमारे त्रिवेदी जी हैं, वो लंबी पत्रकारी इनिंग्स खेल चुके हैं, कई किताबें लिख चुके हैं, और हमारे साथ है शीतल सिंह जिनके वीडियो आप रोज देखते हैं, अपने आक्रामक अंदाज में रोज आपको दिखाई पड़ते हैं। बल्कि सबसे ज्यादा हम लोगों में जो चिंतित बेरोजगारी को लेकर है वो है शीतल सिंह। शीतल जी, सवाल आपसे शुरू करते हैं, क्या वाकई में आज की तारीख में बेरोजगारी या बेरोजगारों की एक फौज इकट्ठा हो गई है? एक आंकड़े से बात शुरू करें जो चर्चा में भी है। रेलवे ने पिछले साल एक वैकेंसी निकाली थी 1,20,000 जगहों की, कुल बात थी, वैसे तो कुछ हजारों में थी पहले। उसके लिए जो दरख्वास्तें आई उनकी संख्या 2.5 करोड़ से ज्यादा थी। तो आप सोचिए कि बेरोजगारी की स्थिति, ये कोई आज नहीं हो गई है, ये अनवरत बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते उस आंकड़े तक पहुंची जो आपने अभी बताया 8.4%। तो ये लगातार बहुत विकराल होती जा रही है समस्या, कि एक जगह के लिए एक विभाग में
एक लाख नौकरियों के लिए 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग एप्लीकेंट होते हैं, और उसके बाद उसकी अभी तक परीक्षा नहीं हुई। फिर बीच में अभी कोरोना आ गया, अभी फिर उस पर एक बयान आया है, चूंकि वो लोग बहुत आंदोलन कर रहे हैं जगह जगह और ट्विटर वगैरह पे, सोशल मीडिया पे, जितनी जगह से वो अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक, प्रधानमंत्री जी तक, रेल मंत्री जी तक, विपक्ष तक, वो उसका प्रयोग कर रहे हैं, सड़कों पे भी आ रहे हैं। तो उसके एवज में सरकार ने कहा कि वो परीक्षा उसकी दिसंबर तक लेगी। ऐसी डेट वो कई बार दे चुकी है और कई बार उनको बदल चुकी है, हर बार कोई बहाना हो जाता है। लेकिन उसी के साथ सरकार का एक दूसरा प्रपत्र मीडिया में आ गया कि उसने विभिन्न विभागों को ये एडवाइज किया है कि वो अभी किसी भर्ती वगैरह के चक्कर में न पड़े। हम जानते ही हैं कि अर्थव्यवस्था की हालत बहुत ही बुरी है, सरकार अपने खर्चे चलाने के लिए कर्जे ले रही है, और वो जो टैक्स वसूलती है उसमें राज्यों को उसका हिस्सा जो बनता है GST में वो नहीं दे पा रही। तो ये तो अभी आज की तारीख में वो कोई रोजगार सृजन कर पाएगी इसको सोचना ही गलत होगा। हाँ, रोजगार उनकी नीतियों की वजह से और कुछ परिस्थितिवश बहुत बुरी तरह से बेरोजगारी में बदल रहे हैं। CMIE का ही डाटा है कि करीब 2,11,00,000 लोग अब तक बेरोजगार हो चुके हैं इस पूरे दौरान, जो ये 4-6 महीने का आपका ये कोरोना काल है। नए बेरोजगार जो पहले थे वो तो है ही है, प्लस एक बहुत बड़े हिस्से को हमारे पास गिनती करने का सिस्टम नहीं है। जो हमारे यहाँ अनौपचारिक अर्थतंत्र है उसका कोई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे हमारे यहाँ प्रवासी मजदूर जब लौटने लगे बिहार और दूसरी जगहों पे, तो हमने उनका भी कोई रिकॉर्ड नहीं तैयार किया। तो हम लोगों के मरने जीने का रिकॉर्ड नहीं, हमारे पास किसानों की मृत्यु का भी कोई ठीक ठाक रिकॉर्ड नहीं है। तो उसी तरह से बेरोजगारी का जो ये रिकॉर्ड आप बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन समस्या इससे कई गुना गंभीर और बहुत ज्यादा है। बिल्कुल आलोक जी, जो बात जिस ओर इशारा कर रहे हैं शीतल जी, क्या आप उनकी राय से सहमत है कि वाकई में बेरोजगारी एक विकराल संकट का रूप लेती जा रही है? ये दरअसल शीतल जी ने अपनी कोई राय रखी नहीं है और मुझे भी इसमें राय रखने की आवश्यकता है नहीं। ये तथ्य हैं जो सामने दिख रहे हैं, आंख खोल के देखने भर की जरूरत है। और तकलीफ की बात ये लग रही है कि शायद सरकार में कोई आंख खोल के देखने को तैयार नहीं है अपने आसपास, वरना ये सबको दिख रहा है कि जो नए लोग नौकरी के बाजार में आ रहे हैं उनके लिए कहीं मौके नहीं है। जो लोग नौकरियां कर रहे थे, जो अभी 2,10,00,000 का 2,11,00,000 का आंकड़ा शीतल जी ने बताया, उसकी खास बात ये नहीं कि वो सामान्य रूप से बेरोजगार हो गए लोग हैं। ये वो लोग हैं जो नौकरी पेशा सैलरीड जॉब्स में थे, जहां वेतन मिलता है, यानी पक्की नौकरी कर रहे थे। इनको नौकरी से निकाला गया है। एक होता है दिहाड़ी मजदूर, जिसको कि रोज कमाता है, रोज खाता है, उसको एक दिन काम नहीं मिला, आप उसे बेरोजगार मान सकते हैं। वो अगले दिन जाएगा, दूसरे दिन शायद काम मिल जाए, आज ठेला चलाता है, कल वजन उठाने का काम कर लेगा। लेकिन ये जो सैलरीड जॉब्स में होते हैं, हमारे जैसे लोग जो नौकरियां करते थे और आश्वस्त भाव से करते थे कि जब तक ये नौकरी चलेगी चलेगी, फिर रिटायर होंगे, उस दिन माला पहन के घर जाएंगे, ये वो लोग हैं जिनको इस बात का इम्कान नहीं था कि किसी दिन एक दिन नौकरी से निकाला जा सकता है या वो दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। वो आ गया है, और ऐसे लोगों के लिए दोबारा नौकरी पाना बहुत मुश्किल होता है। उनको ये नौकरी जब पहली बार भी मिलती है तो वो कहीं वैकेंसी निकलती है, टेस्ट देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद रखे जाते हैं। अब कहाँ वैकेंसी निकलेगी, ये सोचिए पहले, आज के दौर में कहाँ वैकेंसी निकल रही है। जो निकली हुई है उनका हाल देख लीजिए, रेलवे का ये हाल है। उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में अभी आपने खबर सुनी होगी, कल या परसों की खबर है कि मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर निर्देश दिया गया है सरकार के सभी विभागों को कि अपने अपने डिपार्टमेंट में वैकेंसीज का पता लगाएं कि कितनी वैकेंसीज हैं, और उसके बाद उस पर उनको भरने का हिसाब लगाया जाएगा। ये क्यों? क्योंकि अब आने वाले हैं चुनाव। अभी बिहार का चुनाव आ रहा है, बंगाल का चुनाव आएगा, अलग अलग राज्यों में चुनाव के हिसाब से वैकेंसी निकलेंगी, गिनी जाएंगी। कुछ लोग या तो रखे जाएंगे या उनके आगे गजर लटकाई जाएगी कि इतनी वैकेंसी भरी जा रही है, चिंता न करें। लेकिन 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए जाने थे, ये वादा हुआ था। पिछले 7 सालों में कुल मिला के भी 2 करोड़ रोजगार दिए गए हैं क्या? जब कोई सवाल उठाता है रोजगार का, तो आपको पता है उसका जवाब क्या दिया गया है कि आपके दफ्तर के बाहर जो आदमी पकौड़े बेचता है वो भी तो रोजगार कर रहा है। तो ये जवाब अगर देना है, सबको आत्मनिर्भर हो जाना है, तो फिर सरकार का क्या काम है? बिल्कुल
तो आलोक जी ने जो कहा कि सैलरीड क्लास बड़ी तेजी के साथ वो बेरोजगार हुआ है, और जो अगस्त का आंकड़ा है उसके हिसाब से 65 लाख सैलरीड क्लास के लोग जो है वो बेरोजगार हुए हैं। विजय जी, एक तरफ सरकार आत्मनिर्भर भारत बनाने का दावा करती है और वो ये कहती कि इस देश की इंडस्ट्री को मजबूत करेंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, दूसरी तरफ इतनी बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार है या जिस तरीके से कोरोना का संकट हुआ वो जिम्मेदार है, और क्यों सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाए? दो बातें हैं आशुतोष जी। एक तो जहां से आपने शुरू किया कि सरकार ने, मोदी सरकार ने 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, उसका करेक्शन आलोक जी ने कर दिया। 2 करोड़ नौकरियों की बात नहीं थी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी। तो रोजगार का मतलब सरकारी नौकरियां या प्राइवेट नौकरियां भी नहीं थी उसमें। आत्मनिर्भर बनाने की बात, चाहे हम उसे मजाक में पकौड़े तलने वाली बात तक भी ले जाएं, लेकिन लोगों को रोजगार मुहैया कराने की बात थी। कितने लोगों को कराया गया है, नहीं कराया गया, वो अलग मुद्दा। कोरोना संकट ने इस पूरी बेरोजगारी के संकट को और बढ़ाया। जहां आप CMI का चर्चा कर रहे हैं वहां पर देखा ही मैंने कि 6.6 मिलियन जो है, करीब करीब 66 लाख जो लोग हैं व्हाइट कॉलर, वो बेरोजगार हो गए। 5 मिलियन जो है लेबर फोर्स बेरोजगार हो गई। रूरल जो सेक्टर है उसमें भी मनरेगा का जो काम सरकार बड़ी तौर पर कह रही थी, वो मनरेगा मैन डेज भी वहां पर उतने नहीं मिले, उसका भी नुकसान हुआ। खरीफ की फसल के दौरान भी बड़ा नुकसान हुआ। अभी तक हमारे यहाँ बेरोजगारी गांव और शहरों के मुकाबले में अर्बन एरिया में ज्यादा थी, 8% जो उसका आप जिक्र कर रहे हैं, और 6% रूरल में थी। लेकिन मनरेगा डेज नहीं मिलने से गांवों में भी बेरोजगारी बढ़ी है। दो बड़े झटके हुए इस सरकार के दौरान इन दोनों टेन्योर में। पहला जो मैं समझता हूँ वो था डिमोनेटाइजेशन, जिसकी वजह से भी बेरोजगारी बढ़ी थी, जब वहाँ छोटी इंडस्ट्रीज को बड़ा नुकसान हुआ था, और बहुत खासतौर से उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहाँ हर शहर में एक यूनिट होती है इंडस्ट्री अलग तरीके की, उन सबको नुकसान उठाना पड़ा। और दूसरा कोरोना की वजह से हुआ है, तो अब जो लोगों का रोजगार गया। इसके अलावा एक और मुद्दा है, जिन लोगों का रोजगार गया है वो तो साफ दिख ही रहे, लेकिन ऐसी बड़ी तादाद है जिनकी सैलरी को कम किया गया है। आज ज्यादातर इंडस्ट्रीज में, ज्यादातर ऑफिस में 25-30%, 10-40% के बीच सैलरी डिडक्ट कर दी गई। वो भी उनके लिए एक बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि यदि वो जाएंगे तो नौकरी छोड़ के कोई दूसरी मिलने वाली नहीं है। दूसरी बात, जिन लोगों को वापस आना है, जैसे अभी प्रवासी मजदूर का जिक्र आलोक जी कर रहे, तो प्रवासी मजदूर लौटेंगे तो क्या उन्हें फिर से उन रोजगारों में जगह मिलेगी जहां पर वो थे? दूसरी बात, क्या उस रोजगार पर भी उसी पद पर उसी पैसे पर वो मिलेगा? ये सारी चिंताएं सरकार की होनी चाहिए, जो कुल मिलाकर स्थिति को भयावह बनाती है। सही बात है कि जब चुनाव आते हैं तो सरकारें अपनी कोशिश करती है, लेकिन अकेले सरकार को जिम्मेदार ठहराने से काम नहीं चलेगा। रोजगार के लिए जो व्यवस्थाएं की गई उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसने चाहे वो स्किल इंडिया का मामला हो, मुद्रा योजना का, मुद्रा बैंक की जो योजना है उसका मामला है, वो जमीन पर ठीक से एग्जीक्यूट नहीं हुई। मैं बार बार कहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी की जो रफ्तार है वो, और सरकार की जो रफ्तार है उसमें एक बड़ा झोल है, और वो इस संकट को बढ़ाता है। शीतल जी, जहां पर विजय जी ने बात खत्म की है, उनका कहना है कि जो मोदी जी की रफ्तार है और जो सरकार के बीच की जो रफ्तार है उसमें झोल, जिसकी वजह से संकट बढ़ता है, क्या ये भी एक कारण है जिसको आप मानने को तैयार है कि ये कारण है दरअसल? उसमें ये है कि मोदी जी अगर ऐसी रफ्तार रखेंगे जिसको, जो इस देश काल, इसकी ब्यूरोक्रेसी और इसके सिस्टम से कुछ अलग होगी, तो ये नतीजे आएंगे। अभी तक के उनके फैसलों में ये दिखता है कि वो या तो वो फैसले ठीक से लिए नहीं गए, या ये समझा नहीं गया कि हमारा देश क्या है, हमारी नौकरशाही क्या है, हमारे राज्यों की व्यवस्था क्या है, और हम कोई चीज़ करते हैं तो उसका कितना फीसद नीचे तक पहुँचा पाते हैं। तो उसमें जो अंतर विरोध होता है समझ में, उससे ऐसे नतीजे निकल सकते हैं, लेकिन अब उसका दोष उनको नहीं दिया जा सकता जिनको हमेशा दोष दिया गया है कि भाई देश गरीब है, कि लोगों को शिक्षा नहीं मिली है, कि नौकरशाही करप्ट है, कि देश में करप्शन है, ये सब है। आपने जब वादा किया था चुनाव में तो आप जानते थे कि ये सब चीजें हैं, बल्कि इन सब चीजों के लिए भी आपने कुछ वायदे किए थे, लेकिन सवाल ये है कि वो ओवरऑल तो आपकी परफॉर्मेंस इससे जानी जाएगी कि आप जो कहते हैं और जो नीचे होता है उसमें क्या अंतर है। तो वो अंतर अब बहुत बड़ा है और उसके सबूत मिलने लगे हैं, जो आपने पहले जिक्र किया कि अभी पिछले एक महीने से ये आंदोलन शुरू हुआ है। ये ट्विटर पर कुछ लोगों ने शुरू किया था, अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए उसको एक आह्वान जैसा किया था, और उनको भी नहीं लगता था कि कुछ 1000 लोगों से ज्यादा उसको कोई पहुंचा पाएगा आगे तक।
लेकिन ऐसे अज्ञात लोगों द्वारा किए गए इस कॉल को अब लाखों का समर्थन प्राप्त है, ये बता रहा है कि लोगों में तकलीफ इतनी ज्यादा है। और अब एक हिस्से की बात नहीं है, अब देखिए किसान आंदोलन शुरू हो गया, एकाएक शुरू हुआ, इतने एक ऐसे अनजान लोगों ने शुरू किया जिनको कोई नहीं जानता, जो इसके पहले बहुत सारी कसरतें कर चुके थे तब भी कोई नहीं उनको जान पाया था, लेकिन इस समस्या में दम था, अब वो एकाएक हीरो बन गए। दो राज्यों में एक ऐसा आदमी बंद करा रहा है जो कभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं जीता, लेकिन अभी उसको हर गांव में लोग कंधे पे उठा रहे हैं, उसकी गाड़ी में तेल भरवा रहे हैं, उसकी जेब में पैसे डाल रहे हैं, वो कह रहे हैं तू ही नेता है हमारा, और वो हरसिमरत कौर से लेके वो जेजेपी के नेता चौटाला तक को चुनौती दे रहा है इस्तीफा देने और दूसरी चीजों की। तो ये समस्याएं उससे बड़ी हैं जितनी उनकी प्रतिक्रिया आ रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, और आने वाले दिनों में ये प्रतिक्रियाएं और बड़ी होके हमारे आपके सामने हो। शीतल जी, आलोक जी, जो जब मैंने डेटा आपको दिया था कि 2012 2013 जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.8% था, मोदी जी 2015 और 2016 का जो डेटा मेरे पास है वो 5% का है, जबकि मनमोहन सिंह के आखिरी दिनों में जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो कम हुई थी, और जब मोदी जी ने कमान अपने हाथ संभाली थी तब जीडीपी रेट बढ़ रही थी और 8 पॉइंट के आसपास दिखाई पड़ रही थी। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले विजय जी ने इशारा किया कि भाई डीमोनेटाइजेशन की वजह से दिक्कत हुई, जीएसटी की वजह से दिक्कत पैदा हुई, तो क्या ये माना जाए कि एक फैसला सरकार ने किया वो गलत हो गया जिसकी वजह से यह हश्र सामने आ रहा है, या सरकार की जो आर्थिक नीति है उसमें प्रॉब्लम है और वो ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ये मुद्दा 2019 के पार्लियामेंट्री चुनाव के पहले बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको सरकार एडमिट नहीं कर रही थी कि अनएम्प्लॉयमेंट कोई समस्या है, और तभी पकौड़े वाले इंटरव्यू का जिक्र आया था। जी देखिए, 2014 की बात अगर आप करेंगे, 2014 के पहले तक जिन चीजों के लिए तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जिम्मेदार माना जाता था और कहा जाता था, सार्वजनिक सभाओं में, रैलियों में उन पर सवाल उठाए जाते थे, ये स्वाभाविक है कि आज के प्रतिष्ठान को उन्हीं गड़बड़ियों के लिए आज के प्रधानमंत्री को जिम्मेदार मानना चाहिए। लेकिन उसी तरह की परिस्थिति में आज ईश्वर जिम्मेदार हो जाता है, ये सवाल तो पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों होता है? तब क्या मनमोहन सिंह भगवान थे या आज के प्रधानमंत्री भगवान नहीं है, ये सवाल उठेगा? अगर आपकी रफ्तार तेज है और इस देश की रफ्तार धीमी है, इसके लिए कौन जिम्मेदार? जिसने इस देश में चुनाव लड़कर नेतृत्व करने की जिम्मेदारी संभाली है, क्या रफ्तार से मैच करना ये उसका दायित्व नहीं है? बाकी पूरा देश आपकी रफ्तार से दौड़ने लगे, ये कल्पना करना कितना उचित है? और जब आप आंकड़े गिना रहे हैं बेरोजगारी के, मैं भी गिनाता हूँ, अभी शीतल जी भी गिना रहे हैं, मुझे लगता है हमारे देश में बेरोजगारी नापने का कोई पैमाना तो है नहीं। जैसे अमेरिका में बेरोजगारी का एक बहुत क्लियर कट आंकड़ा आता है, इसलिए आता है कि वहाँ व्यवस्था है कि जो बेरोजगार होगा वो अपना क्लेम फाइल करेगा, उसको पैसा मिलेगा, इसलिए वो तस्वीर साफ होती है। हमारे देश में आधे से ज्यादा लोग जो बेरोजगार होते हैं उनके बारे में हमको आपको खबर नहीं मिल सकती है, कोई तरीका नहीं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अब पता नहीं चलते भी हैं कि नहीं, मुझे नहीं मालूम है। एक समय था कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज किसी शहर का सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय कार्यालय हुआ करता था, आप उस शहर में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को एक लैंडमार्क के तौर पर देखते थे। मैं 15 साल से मुंबई में रह रहा हूं, मुझे पता नहीं है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है कहां, हालत ये हो गई है। तमाम प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी हैं, बड़ा भारी कारोबार खड़ा हो गया। मैं आपको एक मिनट के रोकना चाह रहा हूं, जो ये अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या, चूंकि आपने अमेरिका का जिक्र किया, तो अमेरिका में भी पिछले 4-5 महीनों के अंदर वहां 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के बेरोजगार होने की खबर है, और वहां की सरकार ने उनको अनएम्प्लॉयमेंट के तौर पर $1,000 या $2,000 प्रति माह देने का ऐलान भी किया है। भारत सरकार ने भी पिछले दिनों 20 लाख करोड़ का एक तरीके से पैकेज अनाउंस किया था, जैसे कि अमेरिका के अंदर अनाउंस किया गया है। तो अगर अमेरिका के अंदर भी अगर बेरोजगारी बढ़ी पिछले दिनों और भारत में भी बढ़ रही है, तो हम मोदी जी को क्यों जिम्मेदार ठहराते? हम मोदी जी को इसके लिए कतई जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं कि देश में बेरोजगारी बढ़ी है, खास तौर पर अप्रैल के बाद, यानी मार्च के बाद, जब से कोरोना आया है और पहला लॉकडाउन हुआ है, उसके बाद जो बेरोजगारी हुई है उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं ठहराई जा सकती। लेकिन उसके पहले इकोनॉमी में जो गिरावट आ रही थी उसके लिए तो सरकार ही जिम्मेदार ठहराई जाएगी। जो आपने सवाल पूछा कि क्या इकोनॉमिक विजन में समस्या है,
तो मुझे लगता है आप अगर इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, इस सरकार के साथ जुड़े हुए विशेषज्ञों का आना जाना देखें, उनका सिर्फ आप ट्रेवल शेड्यूल देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि समस्या है। पहले रघुराम राजन, फिर अरविंद पानगड़िया, फिर अरविंद सुब्रमण्यम, फिर उर्जित पटेल, एक के बाद एक विशेषज्ञ अर्थशास्त्री इस व्यवस्था को छोड़कर क्यों भागते जा रहे थे, इस सवाल का जवाब कौन दे सकता है? अरुण जेटली एक जाने माने वकील थे, वो वित्त मंत्री रहे, और उनकी कितनी उस विषय में कुशलता थी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वो एक जैसे पिछली सरकार में प्रणब मुखर्जी एक जमे हुए पॉलिटिशियन थे जो हर तरह की समस्या का समाधान करना या उसके विशेषज्ञ ढूंढकर उनको कंसल्ट करना जानते थे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने अरविंद सुब्रमण्यम को अरुण जेटली के साथ जब काम करते देखा है, आप साफ देख सकते थे किसी भी मीटिंग में कि अरविंद सुब्रमण्यम मिनिस्टर की बात से अपनी असहमति खुलेआम जता देते थे, और इसको लेकर अरुण जेटली के माथे पर कभी शिकन पड़ती हुई मैंने नहीं देखी। इस तरह के सलाहकार अगर आप अपने साथ रख सकते हैं, उनको बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आपको तमाम मुसीबतों से निकलने का रास्ता मिल जाता है। लेकिन अगर ऐसा सलाहकार आपको छोड़कर भाग जाता है, उसके बाद जो सलाहकार आता है वो आपको कैसे सलाह दे रहा होगा, उसकी क्वालिटी पर शंका करना बनता है। और शंका करना इसीलिए बनता है कि इस संकट के बाद अगर अमेरिका ने एक रास्ता निकाला कि हम नोट छापेंगे और बांटेंगे, हम लोगों के खाते में पैसा डालेंगे, जर्मनी ने निकाला, न्यूजीलैंड ने निकाला, हम कह सकते हैं कि हम गरीब देश हैं, हम ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन गरीब देश हमेशा गरीब बना रहेगा अगर वो गरीबी का रोना रोता रहेगा, अगर वो हिम्मत नहीं करेगा और हौसले के साथ ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसके उसकी जनता, आप गरीब हैं तो आपकी जनता और गरीब है भाई, जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं वो कितने गरीब हैं, उनकी सोचिए, उनकी जेब में कुछ डालिए ताकि वो आगे बढ़ सकें, हिम्मत कर सकें और ताकि इकोनॉमी का चक्का दोबारा चल सके। बिल्कुल आलू जी, आपने कहा कि गरीब देश है, मैं तो नहीं मानता कि देश गरीब है, देश के प्रधानमंत्री भी नहीं मानते कि देश गरीब है, तो कहते हैं भारत सुपर पावर बनने के रास्ते पे चल गया और विश्वगुरु बन रहा है, और हमारी अर्थव्यवस्था में दरअसल कोई दिक्कत नहीं है। ये बात देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के बाद जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी वर्चुअल सेट में, तो उन्होंने कहा था कि चिंता करने की कोई बात नहीं, अर्थव्यवस्था ठीक है। तो विजय जी, सवाल यह है कि क्या सरकार एडमिट नहीं कर रही है या सरकार इस समस्या का कोई निदान खोज नहीं पा रही? मतलब एक तो होता है कि आपको पता है कि भाई ये एक रोग है, अगर आपको पता है रोग है तो फिर आप उसका निदान खोजने की कोशिश करते हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योर करने की कोशिश करते हैं। जैसा मैं आलोक जी की बातों समझ पाया, ऐसा लगता है जैसे सरकार ये मानने को ही तैयार नहीं है कि उसके पास कोई बीमारी है, क्योंकि बीमारी नहीं पता है उसको या वो मानना नहीं चाहती है, इसलिए उसका निदान भी नहीं खोज पा रही। क्या ये संकट है? और मैं फिर दोबारा आऊंगा कि कोरोना के समय में बेरोजगारी के पहले भी बेरोजगारी अपने आप में बहुत बड़ा संकट हुआ था। आलोक जी ने जहां बात शुरू की थी वहीं पर मैं कह रहा हूं कि कहा जाता है हमारे यहाँ पर कि निंदक नियरे राखे। निंदक नियरे रखने से, पास में रखने से बहुत सारी चीजें सुधर जाती है। अभी कुछ देर पहले मैं जो हमारे पूर्व वित्त मंत्री हैं यशवंत सिन्हा जी, उनसे बात कर रहा था, इंटरव्यू कर रहा था, तो उनसे भी देश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि इस सरकार में अर्थव्यवस्था को लेकर और विदेश नीति दोनों को लेकर बहुत कंफ्यूजन है और कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैंने उन्हें कहा कि क्यों नहीं आप राय देते, क्योंकि वो ऐसे दो वक्त में वित्त मंत्री रहे थे जब क्राइसिस था, 90 में जब चंद्रशेखर की सरकार में वो वित्त मंत्री बने तब बहुत बड़ा आर्थिक संकट था देश में, और 98 में जब रेस्ट्रिक्शंस लगे हमारे ऊपर तब भी वो वित्त मंत्री थे, और उसमें से उन्होंने कुछ निकालने की कोशिश की, क्योंकि उनकी भी आलोचना की जा सकती है। तो उन्होंने कहा कि क्या मैं हर दरवाजे पर जाकर नॉक करूं कि भाई यशवंत सिन्हा यहाँ पर मौजूद है, आपको कोई मदद चाहिए तो ले लीजिए। दूसरा, एक जिंदगी भर वित्त मंत्री बनने का सपना देखने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं सुब्रमण्य स्वामी, वो बार बार वित्त मंत्री की और देश की आर्थिक नीतियों की आलोचना कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं। सही बात यही मुझे लगती है जो आप भी कह रहे हैं, आलोक जी कह रहे हैं कि डिनायल मोड में है सरकार, कम से कम सार्वजनिक तौर पर तो डिनायल मोड में है ही। और जब आप सार्वजनिक तौर पर भी डिनायल मोड पर रहते हैं, मान लीजिए अंदर से जानते हो, क्योंकि मैं नहीं समझता कि प्रधानमंत्री या जो भी सरकार में बैठे लोग हैं उनको नहीं पता, घर के अंदर की हालत तो सबको पता ही होती है, बाहर कितनी भी रोशनी कर ले, सफाई कर ले, तो लेकिन सार्वजनिक तौर पर भी डिनायल मोड का मतलब होता है कि सरकार उस पर काम करने के लिए बहुत एक्टिव नहीं है, प्रोएक्टिव नहीं है, और ये बड़ा संकट हो रहा है। और जो साथ में बैठे हुए लोग हैं वो आरती भजन जो भी होता है भक्ति गान वो कर रहे हैं तो फिर किसी को दिखता ही नहीं है, फिर वही राजा वाली कहानी है। अब कोई बच्चा आजकल है नहीं जो राजा की ड्रेस को देखकर बोले कि क्या पहन रखा है, क्या पहन रखा है।
शीतल जी, ये तो बातचीत हो गई कि भाई देश के अंदर बेरोजगारी है, कम से कम जो मैं तीनों विद्वानों से बातचीत करके लग रहा है कि बेरोजगारी है और संकट बड़ा है। लेकिन जिस तरीके की प्रतिक्रिया इस वक्त सोशल मीडिया पर आ रही है, क्या वो इस बात का सूचक है कि जो 1972 में मिसेस गांधी को 1971 के बांग्लादेश क्रिएशन के बाद जो देवी का दर्जा मिला था, दुर्गा का दर्जा मिला, तो अचानक लोकप्रियता धीरे धीरे कम होने लगी और फिर उनको इमरजेंसी लगानी पड़ी, क्या उस एक बड़े सामाजिक आंदोलन की पूर्व पीठिका बन रही है या सिर्फ एक मामूली सी हलचल सोशल मीडिया पे, एक बबल है जो कुछ समय के बाद गायब हो जाएगा? मैं थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे रहता हूँ, फेसबुक पे लिखता रहता हूँ और उसमें बहुत सारे लोग मुझे भी पढ़ते हैं, मैं भी बहुत सारे लोगों को पढ़ा हो रहा है। देखिए, समाज में एक तो ये है कि पूरा समाज जो एक मशीन बना ली है इस सरकार ने अपने उदय होने के साथ साथ ही, वो मशीन है जो सोशल मीडिया पर और मीडिया पर बहुत ही सक्षम नियंत्रण करती है और देश का डिस्कोर्स रोजाना तय करती है, उस दिशा में देश को चलाती है। एक तो उससे प्रभावित समुदाय है जो एक बहुत बड़ा समुदाय है और उसकी जो नंबर्स आप कह सकते हैं कि लगभग स्थिर है, थोड़े बहुत कभी बढ़ जाते हैं, कभी थोड़े बहुत घट जाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या लगातार स्थिर बनी हुई है। लेकिन इसके बाद वाली जो संख्या थी, जो विभिन्न राजनीतिक दलों में, विभिन्न विचारों में और विभिन्न किस्म के उसमें बटी हुई थी, उनमें अब एकजुटता सी नजर आ रही है सरकार की आलोचना के सिलसिले में। और मैं पा रहा हूं कि उनके स्वर बहुत सारे एक जैसे हो रहे हैं और ये संख्या भी लगातार बढ़ रही है। तो जहां एक ओर प्रधानमंत्री जी इस मामले में सफल हैं और उनकी पार्टी और उनके जो भी सहयोगी वर्ग हैं कि वो एक बहुत बड़े समाज को मुख्य समस्याओं से हटाकर सुशांत सिंह, कंगना या ऐसी वो सारी ऐसी बातों पे बात करते हैं जिनका हमारी आपकी बात जो हम लोग कर रहे हैं इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो कभी ये बात करते ही नहीं है। आप उनके अगर पेजेस पे जाएंगे तो उनको 6-6 महीने आप देखेंगे इस तरह की बातें करते हुए मिलेंगे, या वो सीमा पे चले जाएंगे और सीमा पार करके पाकिस्तान पे करने लगेंगे, आजकल तो खैर चीन का विषय है ही है। तो ऐसे लोगों की भी एक तादाद है, लेकिन उसके खिलाफ जो सारे लोग थे जो ये सब नहीं करते थे, उनमें मैं अब बेचैनी को एक स्वर पाता देख रहा हूँ। मैं नहीं कह सकता, ये थोड़ा सा ज्योतिष होगा कहना, लेकिन ये जो दिख रहा है ये पहले हमें नहीं दिखा, क्योंकि सोशल मीडिया इससे पहले इतना बड़ा इस आकार में नहीं था और मीडिया भी इस आकार में और इस तरह से नहीं था जैसा आज है। तो एक और तो बिल्कुल ये प्रयत्न है और ये प्रयत्न सफल है कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए लाखों लोग मर मिट रहे हैं, लेकिन तमाम लाखों लोग बेरोजगारी के सवाल पर प्रधानमंत्री को भी उनका जन्मदिन नहीं मनाने दे रहे हैं, ये भी सच्चाई है। विजय जी, क्या आप इस राय से सहमत है, क्या आपको लग रहा है कि वाकई में एक सामाजिक आंदोलन खड़ा हो सकता है अगर इतनी बड़ी संख्या में अगर बेरोजगार होंगे, अगर उनके एस्पिरेशंस को अगर ध्यान नहीं रखा जाएगा, अगर रोजगार के नए रास्ते नहीं तलाशे जाएंगे और सरकार अगर डिनायल मोड में रहेगी तो, या सरकार का मैनेजमेंट ऐसा है कि हो सकता है थोड़ा बहुत गुस्सा आक्रोश दिखाई पड़े लेकिन वो कोई सार्थक रूप अख्तियार कर पाएगा, या सरकार को चिंता होने की बहुत जरूरत नहीं? मुझे ऐसा नहीं लगता। आपने 72 का जिक्र किया तो मुझे इसी बात पर हैरानी हो रही थी कि 72 और 73 में गुजरात में एक होस्टल में एक थाली के दो पैसे बढ़ने से जो आंदोलन शुरू हुआ था उसमें आज के प्रधानमंत्री जी उस समय थोड़ा सा एक्टिव थे और वो उस दौरान रहे, और उसके बाद जो बिहार में संपूर्ण क्रांति का आंदोलन जेपी ने शुरू किया उसमें भी ये सारी जो सरकार में जो बैठी हुई पीढ़ी है वो शामिल रही है। तो उन्हें पता होना चाहिए कि छात्रों की ताकत, बेरोजगारों की ताकत और परेशान लोगों की ताकत कितनी बड़ी होती है, पहली बात। दूसरी बात, मैं शीतल जी के इस बात से सहमत नहीं हूँ कि ये सरकार का नैरेटिव है कि सुशांत सिंह और कंगना रनौत को हम चला रहे हैं, ये तो हमारे भीतर झांकने की जरूरत है। ये सारा नैरेटिव तो मीडिया चला रहा है और सरकार को इसमें आराम है कि आप इस नैरेटिव को चलाएं। आपको किसने मना किया? आशुतोष जी आज प्रोग्राम कर रहे हैं, बेरोजगारी पे किसी ने मना किया है? नहीं किया, क्योंकि लेकिन हम करते ही नहीं है। हमारा नैरेटिव ही कंगना रनौत है, ड्रग्स है, सुशांत सिंह है, रिया चक्रवर्ती है, तो सरकार को इसके लिए दोष ना दें। हम अपनी जिम्मेदारियां भूल रहे हैं, उस पर काम करने की ज्यादा जरूरत है। अगर सोशल मीडिया, जो आज डिबेट हो रही है, ये सोशल मीडिया का प्रेशर है। कल भी इस बात पर चर्चा कर रहा था कि सोशल मीडिया भी हिंदुस्तान की आवाज है और ये वार्निंग सिग्नल्स है। वार्निंग सिग्नल्स को ठीक से समझना, जैसे मेडिकल में भी कहा जाता है कि यदि आप प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर है,
कि आप पहले वार्निंग सिग्नल्स को यदि समझ लेंगे तो खतरे कम हो जाएंगे। ये कोविड के टेस्ट की तरह से कि हम लोग कोविड का टेस्ट इसलिए नहीं कराते कि कहीं पॉजिटिव ना आ जाए। आपके टेस्ट नहीं कराने से पॉजिटिव होना नहीं होना डिपेंड नहीं करता, इसलिए वार्निंग सिग्नल्स को इग्नोर करेंगे तब भी वार्निंग्स बढ़ती जाएगी। बेहतर है कि वार्निंग सिग्नल्स को समझ लें और इलाज पर आगे बढ़े। क्या आलोक जी आपको लग रहा है कि सरकार वार्निंग सिग्नल को समझ रही है और वो कोई बड़ा, जो मैंने सवाल विजय जी से पूछा था, शीतल जी से पूछा था कि बुलबुले हैं सोशल मीडिया पे, कुछ आएंगे कभी राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मना लेंगे, फिर उसके बाद मस्त हो जाएंगे, सुशांत सिंह राजपूत देख लेंगे, रिया चक्रवर्ती देख लेगी, आपको कुछ लगता है कि यह आंदोलन उसी तरीके से खड़ा हो सकता है जैसे 1973-72-73 के में जेपी का आंदोलन खड़ा हो गया, 2011 में अन्ना का आंदोलन खड़ा हो गया, या कुछ नहीं होगा? देखिए पहले तो आप याद करिए, अभी श्रवण गर्ग साहब हैं जो वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने अपने आपके satyahindi.com पर एक लेख में इकोनॉमिस्ट के एक एडिटोरियल का जिक्र किया है। इकोनॉमिस्ट ने रूस के संबंध में ये बात लिखी, लेकिन वो पढ़नी और सुननी चाहिए आज के दौर में। वो कहता है लोगों का पेट जैसे जैसे तंग होने लगता है, सरकारों के पास उन्हें देने के लिए राष्ट्रवाद और विषाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचता। आगे वो ये भी कह रहा है कि जो सरकारें अपनी जनता के खिलाफ भय का इस्तेमाल करके शासन करती हैं, वे अंततः खुद भी भय में रहने लगती हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि ये एक तारीख पर किसी एक समाज के लिए सही है बात, ये बात किसी भी समाज के लिए किसी भी समय सही हो सकती है। और आज हम एक तरफ कह सकते हैं कि सरकार वार्निंग सिग्नल पढ़ लेगी और वार्निंग सिग्नल पढ़कर वो उसके हिसाब से अपने तौर तरीके बदलेगी। हो सकता है दुनिया के कोई विद्वान अर्थशास्त्रियों को ढूंढ के लाएं और उनको काम पे लगाएं, विदेश नीति संभालने के लिए काम करें। और एक दूसरा रास्ता होता है, वो बहुत खतरनाक रास्ता है आशुतोष। एक तरफ आपको उम्मीद दिख रही है कि साहब आंदोलन खड़ा हो रहा है, नौजवान जाग उठे हैं, दूसरी तरफ अगर सरकार को कहीं डर लगने लगा तो वो क्या कर सकती है उसकी कल्पना कीजिए, बहुत खतरनाक सिनेरियो है। प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जब उन्हें डर लगा था और उस डर का नतीजा 19 महीने तक इस देश ने भुगता है। पता नहीं क्यों और कैसे उनको सद्बुद्धि आ गई। कुछ लेखकों का कहना है कि इंदिरा गांधी अंदर से डेमोक्रेट थी, किसी दबाव में वो तानाशाह हो गई थी, इसलिए अंत में उनके डेमोक्रेट ने जोर मारा और वो ये मानने लगी, उनके मन में ये भ्रम पैदा हुआ कि मैं इस वक्त चुनाव होगा तो मैं जीत जाऊंगी, इस देश की जनता मुझे चाहती है। इस भ्रम में उन्होंने चुनाव करवा दिया, लेकिन फर्ज कीजिए कि वो चुनाव न करवाती तो क्या होता। कौन सी ताकत थी जो उन्हें मजबूर करती कि चुनाव करवा लें। ये वाला डर दिमाग में जरूर रखिए जिस वक्त आप लोग ये आंदोलन से उम्मीद सोच रहे हो कि बड़ा आंदोलन होगा, उम्मीद खड़ी हो जाएगी। आलोक जी आपने तो आखिर में डरा ही दिया हम लोगों को, तो फिलहाल कार्यक्रम को यही खत्म करना पड़ेगा। आलोक विजय जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, सरकारों से ज्यादा ताकत जनता में होती है और सरकारों से जनता नहीं डरती, आंदोलनों से जनता सरकारें डरती हैं। और इस बात से भी सहमत नहीं हूँ कि इंदिरा गांधी का आखिरी वक्त में डेमोक्रेटिक जो मन था वो जाग गया था। उनको ये गलत फहमी हो गई थी कि वो जीत जाएंगी, बहुत सारे लोगों ने, उनके साथ के लोगों ने उन्हें ये समझाइश दे दी थी कि इस बार चुनाव होंगे, देश में स्थिति ठीक है तो वो जीत जाएंगी। तो डेमोक्रेटिक होकर इंदिरा गांधी ने ये फैसला नहीं किया था। और हमेशा ये मानिए, आलोक जी की बात सुन लेंगे सरकार में तो और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, जनता ही सबसे ज्यादा ताकतवर होती है देश। शीतल जी, मेरा ख्याल से दोनों विद्वानों ने एकदम बहुत अच्छी बात कह दी है, इस पे समाप्त करिए इस कार्यक्रम को। अब मैं इनसे अच्छी बात कहने की स्थिति में नहीं, दोनों ने बहुत सुंदर ढंग से अपनी अपनी बात कही है। देखिए satyahindi.com सबसे अच्छी खास बात क्या है, सच लोग बोल देते हैं, तो शीतल जी ने सच बोला है और आलोक जी ने भी सच बोला और विजय जी ने भी सच बोला है। लेकिन एक चीज बड़ी गंभीर बात है, गंभीर बात यह कि जब बेरोजगार, जब उसके पेट में जब तकलीफ होती है, जब वो बेरोजगार खड़ा होता है तो एक बात तो यह है, फिर उसको डरना भूल जाता है, क्योंकि उसके सामने समस्या यह होती है कि अगले वक्त की रोटी उसके पेट में नहीं है। अगर नहीं है तो जिएगा कैसे, और अगर नहीं जिएगा तो फिर डरेगा क्यों मौत से। तो एक बड़ा सवाल यही है। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि जितना लोकतंत्र को दबाने की कोशिश करोगे उतना ही लोकतंत्र को खड़ा होने की कोशिश करता है। तो फिलहाल हम तो यही उम्मीद करते हैं कि इस देश के अंदर बेरोजगारों की बातों को सुना जाए, यह एक बड़ी समस्या है, इसके निदान की खोज की जाए, और अगर निदान नहीं है तो किसी बड़े एक्सपर्ट को या किसी बड़े रास्ते को तलाशने की कोशिश की जाए। हम फिर भी ना उम्मीद नहीं है, इसी उम्मीद के साथ कि मोदी जी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।